अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है न्यू पार्क सर्जिकल से, और आज हमारे पास बॉल्डर फिनेस इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडिंग व्हीलचेयर है। शुरू करने से पहले मैं इसकी कंट्रोलर को बाहर वाली साइड पर शिफ्ट करके इसके आर्म रेस्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा ताकि मैं व्हीलचेयर के अंदर आराम से बैठ सकूं। एक दफ़ा जब मैं व्हीलचेयर के अंदर बैठ जाऊँगा तो फिर मैं आर्म रेस्ट को वापस नीचे की तरफ ले आऊँगा। इसके बाद मैं इसके जो ओरिजिनल सेफ्टी सीट बेल्ट्स हैं इसको मैं अपने जिस्म के ऊपर एडजस्ट कर लूँगा। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को स्टैंडिंग पोजीशन में ला रहे हैं और आप देखते चलें कि ये जो इसके आगे वाले व्हील है स्टैंडिंग पोजीशन में ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा ताकि व्हीलचेयर ज़्यादा स्टेबल हो जाए। कोई भी मोटराइज्ड फंक्शन बहुत आराम से होगा ताकि एक दम के झटके से आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। स्टैंडिंग पोजीशन में व्हीलचेयर ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर देगी और स्पीड कम करके वो लॉक हो जाएगा ताकि आपको गिरने की किसी भी किस्म का ख़तरा ना हो। हालिया मुताले ये बताती हैं कि खड़ी होने वाले व्हीलचेयर जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर कर सकती हैं। अब इस व्हीलचेयर को हम इसकी डिफ़ॉल्ट मतलब ओरिजिनल सिटिंग पोजीशन के अंदर ला रहे हैं। अब इस व्हीलचेयर की पैर की हाइट पोजीशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि पैरों की हाइट एडजस्ट हो रही है ऊपर और नीचे। इसके बाद हम टिल्ट फंक्शन एक्टिवेट करेंगे जो कि व्हीलचेयर आगे की तरफ झुकेगी। कमर और टांगें एक ही वक्त में आगे की तरफ झुक रही हैं। जब भी व्हीलचेयर आगे की तरफ ज़्यादा झुकेगी तो उसके फ्रंट कैस्टर्स मतलब फ्रंट व्हील्स ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएंगे, और जब व्हीलचेयर एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगी मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे तो वो फ्रंट व्हील्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब इस व्हीलचेयर को हम रिक्लाइन में लाएंगे मतलब कमर को टेक की तरफ लेके जाएंगे और इसकी हम कमर के बल पूरी मुकम्मल टेक की पोजीशन में इसको ले आएंगे। 180 डिग्री के एंगल पे इसको टेक मिल जाएगी। इसके बाद हम व्हीलचेयर की जो लेग रेस्ट हैं उसकी हम जो रिक्लाइन है वो एडजस्ट करेंगे और ये टांगे जो हैं वो हमारी ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे मुकम्मल। हमने इस व्हीलचेयर के मेन फंक्शंस अब आपको दिखा दिए हैं और हम ओरिजिनल सीटिंग पोजीशन के अंदर बैठ जाएंगे। इस क्लिप को हमने 5 गुना ज़्यादा स्पीड में दिखा रहे हैं और जब वापस सीटिंग पोजीशन में आ गए हैं मैं लॉकर की तरफ जाऊंगा। मेरा हाथ लॉकर के ऊपर नहीं पहुंच रहा इसलिए अब हम इसका हाइट एडजस्टेबल मोड ऑन करेंगे, और अब इस व्हीलचेयर की हाइट एडजस्टेबल मोड ऑन करने से मेरा हाथ लॉकर के ऊपर जो आइटम्स पड़े हैं वहाँ तक आराम से पहुँच सकता है। एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ये व्हीलचेयर मैं ओरिजिनल पोजीशन में लाऊंगा और फिर इसको एक कमरे से दूसरे कमरे तक लेकर चला जाऊंगा। ये व्हीलचेयर एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और फ्रंट व्हील ड्राइव की होने की वजह से इसकी टर्निंग रेशियोज बहुत अच्छी हैं। इस व्हीलचेयर के ज़रिए आप रोज़ के काम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस शेल्फ से सबसे नीचे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको उठाकर सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे रख दिया। इसी तरह आप अपने घर में या अपने ऑफिस में व्हीलचेयर इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी से बात करते हुए
उनके आँखों के लेवल तक आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये व्हीलचेयर आपको पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए इस वीडियो के ऊपर जो नंबर दिया गया है आप उसके ऊपर रابطہ कर सकते हैं। न्यू पार्क सर्जिकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोबिलिटी ब्रांड है। हमारे पास हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर स्टॉक में अवेलेबल है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 15 के मुताबिक काबिल रसाई होना आपका कानूनी हक है।